किसी समय में जंगशाले में एक साहूकार छूछक रहा करता था और तख्त हजारे में एक मूड़ा जाट रहा करता था। तख्त हजारे में मूड़े जाट के यहां 7 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटा रांझा था और छूछक के यहां जन्म ले लेती है हीर। ये बताते हैं कि रांझा और हीर की 3 जन्म की यारी थी। पहले लैला मजनू बनकर आए, फिर शशि पन्नू बनकर आए और फिर हीर और रांझा बनकर आए। तो उधर हीर को सपना आता है, सपने में रांझा दिखाई दिया। उधर रांझा को सपना आता है, उसको सपने में हीर दिखाई दी। एक खास बात और थी कि रांझे का एक भाई छूछक का यहां पहले ब्याह रखा था, यानी कि हीर की बहन ब्याह रखी थी। जब जवान हो जाते हैं तो एक बार वह हीर अपनी बहन के साथ तख्त हजारे में रांझे हरकत चली जाती है और रांझे से मिलाप हुआ। उसने कहा कि मैं तू मेरे साथ चल, मैं पाक मोहब्बत निभाऊंगी। पाक मोहब्बत उर्दू का शब्द है। ये कहा कि जिंदगी भर का प्यार दूंगी, इतने जिंदगी रहेगी, इतने दोनों प्यारे रहेंगे। ये कहके और उस मियां रांझे को वह हीर जंगशाला में ले आती है और वहां गवाले का काम सौंप दिया, पानी रख लिया। उस हीर ने वादा किया था कि मैं रोजाना तेरे को खरक खरक कहते हैं, जहां पशु बांधे जाते हैं, खरक में दूध पिलाने आया करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह हीर अपना वचन निभाती हुई रोजाना रांझे को रात के समय दूध मलाई लेकर और उसको पिलाने जाती है। एक दिन की बात, हीर के भाई का नाम था पटमल, उस पटमल की बहू का शक हो जाता है और रात के समय उसका पहरा देती है। जब हीर आधी रात उठ के और दूध का लोटा लेकर घर से बाहर हुई तो पटमल की बहू ने पकड़ ली, की जागी तेरी जवान अवस्था है, हमारा खानदानी घर रात के समय कहां जाती है तू? तो वह पटमल की बहू हीर की भाभी हीर ने क्या कहती है, तेरी आधी रात अंधेरी में तेरा जाना ठीक नहीं नंदी, तेरी जवानी अवस्था की हर में गरकाना ठीक नहीं नंदी, आधी रात अंधेरी में तेरा जाना ठीक नहीं। कौन है गाल में ये कुआर खोल कर और अंदर आ जाए। वह हीर कुआर खोल के जब अंदर गई तो रांझा नहीं बोला। वह हीर ने कहने लगी, देख मैं दूध मलाई लाई हूं तेरे लिए और बैठा होकर इसने पी ले, क्या मैं तेरे हाथ की पीना नहीं चाहता। क्यों? क्या मेरा शक है? किस बात का शक है कि तू मुझे जहर भी पिला? हीर रोन लाई जाती है कि महाराज ये क्या बात कही तने, मैं लाई थी तेरे को पाक मोहब्बत निभाऊंगी, के हाथ तने खूब निभाई। बोला रे परे मर ले तू तेरा तारी,
ओ भर दूध पी लिए पाड़ी तेरे पर मर ले तू तेरा ताड़ी ओ भर दूध पी लिए पाड़िया तेरे खातर लाई से क्या होगा मन मारने आई मेरे पर मर ले तेरा तारी हो भर दूध पी लिए पारिया तेरे खातर लाई से देखी भारी है पान बैठरी तारी कदसी देखी भारी नसानी मेरा कौन सिपाही से थी क्या के मैं जिंदगी भर का साथ निभाऊंगी हाँ और ईब तू अटखेड़ा में ब्याह जाएगी ये भी सच है कि अटखेड़ा में ब्याह जाएंगे लेकिन ढाई दिन मूर्ति आ जाएंगे तू पहले ये इनकार करे थी के मेरा ब्याह कौन है हाँ मेरा ब्याह कौन है अरे यो तो कांगना बंद रहा यो तो मेरी माँ ने बांध दिया था माए बांध रहा कांगना और कौन बांध रहे माँ ने बांध दिया था बालक कौन में बालकपन का इतना ही कंगना टूट जा फिर बांध लिया अपना अरे यार राखड़ी बंद रही यार राखड़ी मेरी नानी ने बांधी थी पाम लैच होगी थी तेरी नानी तो बैद होगी हाँ बैद बूढ़ा आदमी तो मैंने तुम्हें अच्छी बात बता दिया करे अरे ये स्याही गल रही रे स्याही नहीं गाली थी मेरी आंख दुखनी आ गई थी इसलिए मैंने स्याही गाली ब्याह नहीं है ना ब्याह कौन है खरियाली ओ तू मेरे चमन का माली जाने उस काने के खरियाली ओ तू मेरे चमन का माली ओ काना मेरा लाग गया भाई से अरे मोड़ बंद के हवा का डकी अरे गलू जमाई Yeah.
बीतर लेकी काली आए मन लाख दे लिए काली गलाए तू बीतर लेकी काली आए मन लाख दे लिए काली सब मेरे गात समाई से की जो आंख बदल गई दगा बादल भाई से रे पर मर ले तेरा ताली हो मैं दूध की लिए पालिया मेरे पास तेरे आई से सर घोड़े राजा हो मन मारे आई से बात रानी लक्ष्मी चंद की प्रणाली पावे से बात रानी लक्ष्मी चंद की प्रणाली सब ठीक बताई से ओ मंगेरा में पार्टी के तेरी आंख बताई से तेरे हाथ का दूध नहीं पीऊं बिल्कुल भी तने जहर मिला रखा होगा के महाराज ईसा जुलम ते मत बोले के ये बता तेरी शादी नहीं है के हां जबरदस्ती है शादी होती है मन की लेकिन मेरे साथ तो जबरदस्ती है के फिर मन ने क्यों भगा के लाओ थी तू के महाराज मेरे बस की बात नहीं रही और मैं आपके साथ फिर भी एक वायदा करती हूं कि ठीक ढाई दिन में उल्टी आ लूंगी बोला पाछला ने पूरा तार दिया भी ढाई दिन भी देखिएंगे ये कहती कि जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगी और तब पूरा वायदा कर दिया तने और ढाई दिन कौन डरते गया रे वह हीर वापिस चली जाती है और रंजे का बड़ा दुख होता है उधर वो खेड़ों से बरात आ जाती है और नका पढ़ा देते हैं आखन के साथ नका पढ़ा दी हीर की और वह बाजा बाजे दहर में महेश शराब और रंझा रंझा खिमा तक लगे और खिमा आज तक कल्ला डोल बाजे है भाई शहर में कितने बेरा नहीं के ना और वह हीर की बरात आ रही अट खे जाते हैं जिसके तू पानी लग रहा थारे घर पे अर तने बेरा नहीं बोला ओहो चाल सौड़े चालेंगे अट खे जाएंगे राय और रंझा और खिमा जहां का वो डोली जानी थी उस राह पे पहुंच जाते हैं डोली आती है वहां के तो पर्दे में के उस हीर ने वो रांझा खड़ा देखा और कहार के को कहने लगी रे भाई जरा इस डोले को थामना के क्या करेगी तू केक तेरे से काम है तो वह हीर उस कहार के को क्या कहती है अरे भाई जरा डोले को रोकना उस कहार के ने डोला रोक दिया के कहो के देख वे दो दिखाई देते खड़े हुए के हां एक छोटा है एक लंबा है के जो लंबा है उसको बुलाना मैंने उससे काम है और ये कह देना के हीर बुलाते हैं
वो कहा क्या उस डोले को रोक के और रांझे के पास गया कि भाई रांझा कौन सा तुम्हारे में से कि हाँ मैं हूं, क्या बात है के एक डोले में बैठी बैठी रोवे है और हीर नाम बतावे है वह तने बुलावे है। और रांझा गया के क्या कहना चाहती है, ईब कहां चाह गया किस लिए बुलाया हूं मैं। बोला रे जोड़ा जाती बता दे हीरे हीरे जोड़ा जाती बता दे हीरे मेरी कौन सी खता मेरे तख्ती हजार जाके दिया पारी सता कर्म सब खो गया।
रात खेड़ा मैं रह के पारू तेरी जा साल तेरी मैं सराई है वो मेरी बीत देखा और फिर बेशक चली जा निवले के महाराज मैं क्या करूं नहीं बता मैं क्या डूब के मरूं तू नाचते मारे घर के खंदावे मैं कितना हूं क्या जब जा मैं तो रोकता नहीं ना मेरे रोके तो रुके मैं ये कहूं क्या जो मैंने थारी मैं सराई वो मेरी बीत दे दे और फिर बेशक जा रैयत के खेड़िया में जा सके मेरी छाती पे पधर दे ओ तू नटे मारे घर के घल मेरा एक फैसला कर दे खेड़ा में जास ते मेरी छाती पे पत्थर दे तू नटे मारे घर के घल मेरा एक फैसला कर दे तेरी यू रहा बेहूदा पारी ओ बे
उदा मत समझ रंजे मत मक्की साथ रोकाली रे दम का साथ तने खूब नभाया दम का साथ तने खूब नभाया मेरा छुट्टा रहने में घर दे घर छुट्टा मत समझ रंजे तू बदले के मशरे दे कटे मत समझ रंजे मैं आए करे दू तेरे आए ते तने खूब करे पर साल काटड़ू घेरे काटड़वा की बीत में लगी बरसों के आरे सवेरे काटड़वा की बीत में लगी बरसों के आरे सवेरे परसों तक यारे कौन डटे परसों तक यारे कौन डटे ये गड्ढे खरक में मुर्दे मुर्दा में दे काज कबर ते ठोक के माटी भर दे अटखेरा में जासत मेरी छाती पर डाना मारा तेरा एक जगह खाना से यार खाना खाइए अखर गया मन तड़के में जाना से तड़के मत ना जाइए रंजे मन वापस आना से तड़के मत ना जाइए रंजे मन वापस आना से अरे कर की वापसी करे की सलामी करे की वापसी करे की सलामी तू काज पीर का डर दे जय मांगेरा मतेरा डर कढ़ेगा जब जमीन जोर उतरे दे मेरा नेक भी नहीं छोड़ा एक भाई रान ये काट खेड़ा में ब्याह रखा था अखन काने की बहन के शेट्टी के साथ नवले शेट्टी की भाभी बनेगी वह मेरी भाभी है शेट्टी और तू उसकी भाभी बनेगी जाके
करे तू मेरे भाई की साली थी, इब कौन सा नेक होगा मेरा तेरा वो ये बता दे मने। मेरे शेरदारी किया रे मेरी काया में छेक सारी दिया, मेरी छाती में डंक मार दिया, मेरी छाती में डंक मार दिया, बिल्कुल नगण सारी बड़े महाराज मैं एक ही वायदा करता हूं कि ढाई दिन में वापिस आ लूंगी। निमलारा तेरे वादे सुन सुन कर 12 साल काट दिए, तेरे वादे को कैसे पक्का मानू मैं ये बता। मेरी बीत दे दिया बस, मन और कुछ नहीं चाहिए। 1 साल के 300 रुपए बढ़ते हैं और अब 12 साल के 3600 हो गए। मेरे 3600 रुपए दे गए और वैसे तेरे कारण
उल्टी हटके बैठे या आवे मटने की खुशबू क्यों जंगताना करी आठ कांगना रे पैर राखी यू के पाना करी तन पागल पानी थाप लिया पति अखन कान करी आप नवाड़े मोटी ओरी ब्याके सवाना करी खाप नवाड़े मोटी एरे मेरे पाया में लाखन खजरे मेरे पाया में लाखन खजरे कने सूर बे कने की बोई उल्टी हटके बैठ या आवे मटने की खुशबोई नदी किनारे रूख खड़ा था लेगी आप पाड़ के आप खसमे खेत में खाले लावे दोस्त बाड़ के याले अपनी खुड़िया कामोली तेरी दाइयो डाक दाड़ी के एर मीठी मीठी बात करे मेरे मारे जू जाड़ के मीठी मीठी बात करे मेरे मारे जू जाड़ के ओ एक तरह के जांगा करे अपने में सारी दुनिया कया करे से कोन पे झूठ के भीतर लेगी काली हीरे तू लेगी मने लूट के नोते मैं भी जानू था तू खागी आपू ठीक है एरे घड़ा पाप का बड़े रहा से यू रहेगा जरूर फूट के बड़े रहा से अरे महंगे राम
कछवा हीर माफी मांगती है कि 3 दिना की माफी चाहती हूँ, और माफी मांग के वह हीर डोले में बैठकर अटखेला चली जाती है, और रंझा खड़क में पड़ा पड़ा रोवे, और वह हीर बुल्ली को कहगी थी बुआ जब मैं जाऊं, जब हीर ने रंझे ने संभाल लिए, जब रंझा चलेगा तो मैं तेरे से ले लूंगी। वह बुल्ली उस रंझे के पास गई के रंझे क्यों रोवे है तू, ने बोला अच्छा मैं अपने घर जाऊंगा, मैं यार रहूं नहीं तरके जांगा घर अपने में, ओ फूकूंगा थारे डारे में, अरे बेईमाने छोटा चली मेरे नामी तक हजारे ने कर के जागा घर अपने ने कुकुमा थरदारे में, मेरी मां छोटा चली मेरे नामी तक हजारे
घने मुरालिए हीर ने इसे करा लिए हीर ने इसे करा लिए मन काटी रात कवारे चाहता नहीं के रांझे तू घरा मत जा एक जिम्मेवारी मेरी लागी है हीर के तेरी जिम्मेवारी के हां के जिम्मेवारी लगाई है के रांझे की सेवा करना और उसको जाने मत देना तेरे न्यू के घी से हीर मने कदे ओए पाली रो रो मर जा कदे अपने घराटे बड़ी जा से हीर मने कदे पारी रो रो मरे लिए कदे अपने घराटे बड़ी खेड़िया ने जालू मेरा करे नहीं पुगाया ते आके अलफ उठा लू ओए तीन दिन में
मुफ्ती में सराई सारी उम्र उलाना दे गया एक मिली ना पाई मेरे कारण क्या कर रहा था छे बद्दी और बाई दूध मनाई दिए खान ने युद्धा डापड़े कसाई अरे ओ डन में दिए रतन रे जाई जाती है संबंध तेरी पान में छाई पिए खान में पेड़ा भरी चंगेरी बसर खोलनी बंद कर देगा शरप पे रात अंधेरी मानस मानस बैरी हो जाया दुनिया फिर लोटेरी सारी बात बता दिए मेरी
रांझे की सेवा करती है के रांझे, तू जाइए मतना और इतने ही रहोगी इतने मैं तेरी सेवा करूंगी। ने बोला के मैं अड़ रहा हूं नहीं, और तेरी भतीजी ने जो मेरे साथ सलूक कराया है वो मैं जिंदगी भर तक भूलू नहीं। वो रांझा है उस बुल्ली को क्या कहता है, पाई रे छुचक जाई रांड में रे रांड नहीं उदेगा देश बुराई अपने घर जाऊंगा। अपने घर चली जाती है, रात के समय रांझा उठ के और जंगशाला से अटखेड़ा की तरफ हो लेता है। रास्ते में चलते चलते एक साधु का डेरा मिला और विचार करे भाई के करेगा तू, क्यों नहीं तू साधु बन के दिन काट ले। उसके डेरे में गया और जाकर साधु को दंडोत प्रणाम किया, आओ बच्चा कैसे आना हुआ। हे महाराज मैं भी इस दुनिया से थक लिया हूं। कि भाई फिर के करूं मैं, के महाराज मैं भी साधु बनके और घूमना चाहता हूं, उपदेश देना चाहता हूं, मेरे कान पाड़ दो। नबलेबे तेरी आंख तो साधु वाली ना दिखती, इतना साधु बना दूं दे के महाराज कति थक्या उड़ा रहे हो। बहुत कहे सुने से उस रांझे के कान पाड़ दिए बाबा जी ने, और कान पड़ा के पहन के अल्फी। इन साधुओं में एक और रिवाज वो है, महाराज तो ये रिवाज है कि भाई चेला गुरु ने दिया करे, गुरु को भेंट देता है, और ये बाबा जी के करे जिसका चेला बना वो बाबा जी अल्फी देगा उसने। तो अल्फी पहना दी बाबा जी ने और वो अटखेड़ा की राह पकड़ लेता है। रास्ते में चलते चलते एक कुआ आ जाता है पनिहारी, जहां पानी भरे वहां जाकर खड़ा हो जाता है रांझा। बहुत देर होगी खड़े ने, वे पनिहारी कहने लगे के बाबा जी क्यों करा रहे तू, ये सारी दुनिया कया करे सर इज्जत हो ना मन से नीच के, एक पहर का मैं मरु सू तसाया क्यों खड़ी हो गिरे आँखी नीच के, मेरे कना के हाल लाग जागी पानी प्याजन डोल खींच के। के मेरे कान तुरंत के पाते हुए हैं, जब मैं डोल खींचू तो काना का हाल लग गए, जरा सा पानी पिला दे। तो वो पानी पिया, फिर खड़ा रहा गणिया वार्ता ही के बाबा जी तेरे तक कि मैं बेमसा है, पानी पी लिया अपना रार देख। ने बोला कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या के तुम यहां कितनी देर की हो, के पनिहारी कितनी देर की होती है पानी भरते हो चली जाती है। एक ने बोलिए सुथरी तो बतला लो, यू सुथरा बतला दो तुम भी सुथरी बतला लो। के तू पूछ क्या पूछता है, के तुमने के देखा अरे के हाथ देखा क्या देखा। बोली ओए देखी वीर बनी ओ बाबा, एक कान्या नला तुम्हारी
ये धोर हो जा सारा रुदय में मसावे जी देखी वीर बनी हो बाबा रखी किसे में बिटेक वार ही चौगर दे में देख एक बिन मनियो बाबा एक बिना मनियो ओ पकड़े हाथ में हाथ मारी टूट रही थी वन मारा मारिय ते देखावे थी देखी बीर शान शकल की गोरी वातन सबक सबक कह रोरी के रोवा थी वा के बाबा जी जिसके लठ लगते हो वो रोवे नहीं के मारे खे थे उसके के गणे देखे मारे ते कड़ो घर के दिखाई नहीं सपाड़ सपाड़ हो रही थी घने मारे खे के घने ओए वातन सबक सबक ओए होरी थी निशानी ओ बाबा होरी थी निशानी ओ बाबा बात साथ मारी कोए ना छोटावन आला चौकर बैल खावे थी देखी बीर बनी ओ बाबा कष्ट घना खेरी थी वा घने फंदे में फेरी थी ओए कहरी थी तो बनियो बाबा ओए याद रखियो बात मारी जैकेट में जाओ चीरे यारा कह दियो बुलावे थी देखी बीर बनी हो बाबा खुदा बजूंगी ना काने की सेज सजूंगी ना काने की मसेज सजूंगी ओ तजूंगी तू में दगनी ओ बाबा तजूंगी तू में दगनी ओ बाबा ओ काज ना कते ना थमाई बांध रही थी वो हाथ में नारा तोरे पे वो बावे थी देखी भी बनी हो बाबा बाबा जी एक काना सा एक बीरबानी नहीं ले जाता है और वह ठाडू ठाडू रोवे उसने सोच लिया पानी पीने की मारी रोनती होगी यारो डोला थाम लिया और वह उतर उतरे बाजार वो डाटे और गणे बेत मारे उसने तो उसके एक युद्ध देखा था हमने जब वो हीर की बात सुनी के बहुत ज्यादा मार रखे थे तो रंजे की आंखों में पानी आ जाता है और वे लोग आई नुकने लगी के बाबा जी तेरे क्या तो लगी यह बात है तुम क्या तो रोया कुए पे लगाया धरे काम के
फकीर का फिर दुर्तगा कुए पे लोग धोरे काम के फकीर का
की खटक में लखनी कावड़ की खटक में लखनी चंद छोरा होया शरीर का फिर से बताया मुझे कही के बाबा जी हमने तैसा ब्योत लग गया कदे किसी बीर की फराक में घूमता हो तू और मोड़े गार बीर का काम के क्या नहीं 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 ऐसी बात नहीं थी लेकिन बहुत रूपवान था और अंधा कुछ साधु का भेष एक पनिहारी नियुक्त लगी के बाबा जी बाबा क्या तो बन गया तू ओ बाबा जी जरी शान पे कलम तोड़ गी लखत है पूंजी राख दवाड़ा करेगी ओ बाबा जी जरी शान पे बाबा जी जरी शान पे ये माता तारा कलम तोड़ गी लोहे के यो नहीं बराबर सुनना सैठ मासी का सुथरी एरे उजले घारा जन्मदार बलम सोला राशि का मेरे केसी करे है सेवा कर के रूप दासी का रूप के मां चमके लगे तनु खला चांद पणवासी का रूप के मां चमके लगे तनु खला चांद पणवासी का ओए जिया जून चौरासी का जिया जून चौरासी का तन सेम रुखाला करेगी कलम तोड़गी राम चाल पड़ा ये लत्ते चाल झाड़ के न्यू ते मन में दुख आवे कि सब बैठा बात हारी पे तेरे रूप ने देख रही मेरी पड़ी की नजर तार पे कई कई बे इसी मन में आवे जनवर जान पे मारी पे कई कई बे मन में आवे जनवर जान पे मारी पे ओ किसने जमा तू पेट पार पे किसने जमा पेट पार पे वा क्यों ना टाड़ा कलम तोड़गी तो उसने कहा कि तेरा बहुत बढ़िया रूप है और बाबा जी तू ये बन गया कि ये सब कर्मा के हिर फिर किसी का कर्म कुछ करवा दे किसी का कर्म कुछ करवा दे और ये आस की जो होती है कामदेव की आस की ये बहुत खतरनाक होती है और मैं उसी में फंसा हुआ हूं और मेरे को आपकी मेहरबानी होगी अठखेड़ा का राह बता दे। तो उन्होंने बता दिया पाधारा अठखेड़ा का और रांझा वहां से चल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते क्या विचार किया कान पड़ा लिए मोजे हो गए थाली कंबली काली
इश्क़ लगे ओ नर जाने ओटे आशका हारी आशक माया नर पड़ा
जाना दुख पाया मैं हो कभी गर्मी कभी सर्दी मानो कभी धूप कभी छाया मैं लक्ष्मी चंदी जीव का बचना मुश्किल से माया मैं से पूछता है कि मुझे अटखेड़ा जाना है, जरा अटखेड़ा का रास्ता बता दीजिए। तो उन पनिहारियों ने उस रंजे को अटखेड़ा का रास्ता पकड़ा दिया और चलता हुआ वो रंजा अटखेड़ा में पहुंच जाता है, जहां उनका साधक पीर था वहां बैठ जाता है। और गांव में उस शहर में ये मुनादी करवा दी के किसी के सांप काटा हुआ हो तो झाड़ा लगाता एक बाबा जी आ रहे हैं। अगले रोज उन्होंने साधक पीर की पूजा करनी थी, धोख मारनी थी, आगे आगे बादशाह खन, बीच में हीर, उसके पीछे उसकी बहन सेती। आए साधक पीर के पास, पहले बादशाह खन गया और वह हीर उस बादशाह खन ने भाई कह के बोले, उन्हें सोची भाई ब्याह करवा लिया यू ने किता आया। तो साधक पीर के सामने गया वो बादशाह खन, हे साधक पीर तेरी कढ़ाई करूंगा जया हीर मने पति मान लेते। फिर वह सेती गई, शेट्टी ने भी धोख मारी, हे साधक पीर तेरी पूजा करूंगी जब मेरे भाई बादशाह खन या हीर बटेऊ मान लेते। फिर वह हीर गई और हीर ने धोख मार के नवली के, हे साधक पीर तेरी कढ़ाई करूंगी, एक बार मेरा काम कर देते, तू भी यार आ गया नो करे, तू घरा जाकर और पां में थोड़े है खून काट लिए और रुका मार दिया कि मेरे तनाग लड़की और मैंने इंतजाम कर रखा है यार। वह हीर साधक से बाहर निकल के और बादशाह खन के साथ महल में चली जाती है। वहां जाकर और पैर में खून निकाल के और रुके मार लगी, हाय नाग लड़की, हाय नाग लड़की। वह सेती भाजी आई, अरे भाभी के बात हुई, ने बोली के बोलता तू सुन सर, मैं तेरी भाभी को लगती, मैं तेरी दुरानी लागू के दुरानी तू करी क्यों रंजा तेरा देवर नहीं कि हाँ के मैं तो उसके पढ़ना रखी और तमदा हिंगे दे ले रहे हो। अरे यू के होया के मेरा तो नाग लड़की के नाग क्या जा रहा था दौड़ो साधक पीर में एक बाबा जी आ रहे हो लाओ है के जा जब लाइव लिया बुला के। वह सेती भाज का आई और साधु धुने पर बैठा, आदेश महाराज जी, आदेश आओ कैसे आना हुआ। हे महाराज मेरी भाभी के नाग लड़की के फिर मैं क्या करूं, मेरी के नाग थी लड़की द लड़की के महाराज नु कह के तू झाड़ा लावा के ला करूं। फिर साल मेरी भाज का झाड़ा लाया, बोला चाल तब पड़ू पर कुत्ते ने खा रहा क्यों चल लू, क्या मैं तेरी सवारी ला दूंगी
वह सवारी गिनाती है और वो उन्हें बिसरावे। ओ मेरी बाबा जक्का सांप लड़ा तू बात नहीं की जद की समया ओ कद की ना थी बारवा ओ कद की ना थी बारवा सती बस कद की नाथ बाने वास्ती बता ने चले पता ये बिगड़ गया तेरा वो बता दाब गई बंदा सब